5 रुपया मिर्चाई बम खाती तो आदमी रुक जाता है, और उधर इंडियन आर्मी दिवाली मनाएगी। पाकिस्तान का आदमी सुबह उठते परमाणु बम मार देंगे। पाकिस्तान बहुत बड़ी कौम है, मजबूत कौम है। अरे छोटा, पैदा हुए हो यहीं से? जिन्ना का कहना था कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। अबुल कलाम ने कहा था कि क्या आप सारे मुसलमानों को अनपढ़ समझते हैं? चाइना की जिंदगी का सबसे बड़ा तकलीफ है यह मलक्का जल संधि, क्योंकि उसका सारा व्यापार इधर ही से जाएगा, यूरोप से, ताइवान से, शंघाई से, बीजिंग से, कोरिया से, जापान से, सब इसी सागर को होके हुए जाएगा। और यहाँ पर है हम लोग का अंडमान निकोबार, यहाँ है नेवी लगी हुई, मार के वो गली में से निकलेंगे ना मुँह कूच देगा। यहाँ पर निकलो सोच रहा हूँ, पातर गली में से निकलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं इतना पतला रास्ते है, जहाज लेके निकलेगा, भागो भागो है, मार यहाँ निकल जाते ना, यहाँ हम लोग अस्थायी रूप से बैठे, मार के धो देंगे लोग हम लोग। चाइना इसीलिए डरता है क्योंकि चाइना की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, और पूरी दुनिया को कहेंगे लोग इधर से किसी को नहीं जाना है, नो फ्लाई जोन, यहाँ लड़ाई मिसाइल उसाइल चल रही है, कोई मूवमेंट नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो चाइना को डर है यार, ये तो भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि इधर हम हमला करेंगे, इधर करेंगे तो जुरा इधर मार देगा, समझ में आ गया कि नहीं? तो चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? मलक्का, मलक्का। इसलिए चाइना ने यहाँ से सड़क बना दिया CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब बताइए इस सड़क की जरूरत ज़्यादा किसको है? चाइना। लेकिन उसने पाकिस्तानियों को ऐसा बेवकूफ बनाया, कहा कि देखो ये सड़क तुम्हारे लिए जीवनदायी साबित हो जाएगा, इस सड़क के चारों ओर हम 10,000 फैक्ट्री लगाएंगे। कहा वाह वाह, पाकिस्तान एकदम खुश हो गया, एकदम बढ़िया फैक्ट्री लगाई यहाँ पे। कहा कि एकदम फर्स्ट क्लास सड़कें बनाएंगे, पूरी दुनिया इसी सड़क का यूज करेगी। उन चोटों को नहीं समझ में आया, पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान आएगी सड़क का यूज करने के लिए। कहा वाह क्या बात है, तो सड़क बनेगा कैसे? तो कहा चाइना ने देखो हम तुमको कर्जा दे देते हैं, तुम बना दो। पाकिस्तान का ठीक है, पैसा कर्जा दे दिया, GDP से 1.5 गुना पैसा ले लिया कर्जा। अच्छा छड़ कहाँ से आया? चाइना से। इंजीनियर चाइना से, सीमेंट चाइना से, डिजाइनिंग चाइना से, सारा कॉन्ट्रैक्ट चाइना को। ये सब गिट्टी ढो रहा है उसमें, पाकिस्तान वाला गिट्टी ढो रहा है सब, किसमें? CPEC सड़क में। और उसका यूज कौन करेगा? चाइना। अरे गजब पागल है सब, इसको बस पाकिस्तान का आदमी सुबह उठते परमाणु बम मार देंगे, मार देंगे परमाणु बम। भारत को नीचे दिखाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन हर इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए बाप बाप होता है। कहीं भी परिचय देने जाइएगा, चाहे कुछ बन जाइए, बाप को कैसे भुला पाइएगा? कोई पूछेगा कि 14 अगस्त 1947 से पहले कहां थे? कहां थे? भारत में, समझा? लेकिन यहां के लोगों को दिमाग में नफरत भरा जाता है, उन लोग को यह सिखाया जाता है ना कि भारत के लोग छोटे छोटे होते हैं, कमजोर दिल के होते हैं, वो हम लोग से नहीं लड़ पाएंगे, और पाकिस्तान बहुत बड़ी कौम है, मजबूत कौम है। अरे चोटा, पैदा हुए हो यहीं से? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उनके दिमाग में बताया, कुछ छोटा बच्चा से दिखेगा ना तो कहेगा नहीं वहां के लोग कमजोर होते हैं, वो लोग हम लोग ईमान वाले हैं। ससुरे तुम ही ईमान वाले हो? हाँ, पूरे दुनिया के मुसलमानों का सर अकेले झुकवा दिया तुम, ईमान वाले बनते हैं यहाँ पर? मोहम्मद ये अबुल कलाम आजाद बोले थे जिन्ना से, जिन्ना का कहना था कि सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे। अबुल कलाम ने कहा था कि क्या आप सारे मुसलमानों को अनपढ़ समझते हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो गए थे तो समझ में आ ही गया कौन थे। आज ले अपना रॉकेट ना बना पाए, दिवाली वाला रॉकेट भी चाइना से मंगाते हैं। इसरो को कहते हैं, अरे इसरो कहाँ चला गया? अरे इसरो तुम अगले जन्म में जाना वहां पे। आगे बढ़े तो CPEC सड़क सच में भारत के लिए क्या है? खतरा है, ये सड़क है खतरा, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ये यहाँ पे निकल जाएगा, तो भारत के लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग का है सियाचिन। क्या है? सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान। अगर हम सियाचिन से चाहें तो इस सड़क को आराम से यहां तोप लगाएंगे, धन धन, कुछ करना थोड़ी है, दुगो को ड्यूटी लगाना, रखो मारो धाम,
जाके पूरा सड़क टूट तार देगा यहाँ पे। अभी बताइए बम्बार्डमेंट होगा तो कोई गाड़ी जाएगी? यहाँ दिवाली में पटाखा छोड़ दे, भाई रुक जियो, अरे पटाखा गिर जाता है, अरे 5 रुपया मिर्चाई बम खाती तो आदमी रुक जाता है। और उधर इंडियन आर्मी दिवाली मनाएगी, तो हम लोग मलक्का में घेर लिए किसको? हाँ, यहां तो किसी के दादा नहीं निकल सकते यहां से। अच्छा एक और रास्ता है, सुनिए ध्यान से, यहां पे सुंडा जल संधि, चाइना का राज इधर से निकल जाएंगे, इधर से निकल जाएंगे। कि जब हम 12th में पढ़ते थे तो हमारा एक लड़का साथ में नहीं पढ़ते रहते हैं, तो हॉस्टल में रहता था, तो सेम नाम से 2 हॉस्टल था, एक गर्ल्स हॉस्टल एक बॉयज हॉस्टल, एक ही मार्गली का था। तो बॉयज हॉस्टल में था, हमसे बोला भाई आ जाओ ना यहाँ पे, तो एक के जगह यहाँ पे था, इधर या मुड़ेंगे तो गर्ल्स हॉस्टल, इधर बॉयज हॉस्टल, एक ही नाम का था, एक ही मकान में। हम गलती से घुस गए किसमें? तो आगे जो रिसेप्शन होता है ना, रिसेप्शन वहीं से हमको लग गया कि भाई, क्योंकि हम एक बार पहले गए थे, हमको लग जा रही तो गड़बड़ जगह, ऐसा खौराइल टाइप का कोने एको का जुआ निकाला, हमके भाई गलती हो गया। पता नहीं कहां से इतना जुआ पड़ जाते हैं, हमके भाई गलती, भागो यहां से, गलती हो गया यहां से। ये ध्यान से, यहां पर कौन जगह है? अक्साई चीन। कौन जगह है? अक्साई चाइना, सियाचिन। इधर में अक्साई चीन, ये सियाचिन, ये सियाचिन, याद रहेगा। आगे देखते हैं, ये वाला चाइना को सबसे बड़ा डर है कि इधर से सड़क रोक देंगे। उसके बाद एक और भयानक डर है, पाकिस्तान ने यहां अफगानिस्तान में जब रूस चलाया था, रूस ने कहां कब्जा किया था? अफगानिस्तान। उसके बाद इस पर कब्जा कर लिया था अमेरिका ने, तो यहां पर तालिबान वाले थे सब, क्या थे? तालिबान। और पाकिस्तान ने तालिबानियों को कहा था तुम्हारा कानून होना चाहिए, शरिया का कानून होना चाहिए, इस्लामिक नियम लागू होना चाहिए, मारो अमेरिका को, भगाओ अमेरिका को। सोचिए कितना बड़का खचरा है, अमेरिका से पैसा ले रहा है यहाँ पे, पैसा पियोगे अड्डा के लिए, यहाँ मारने के लिए सप्लाई दे रहा है, यहां से आतंकवादी भेजा कहाँ पे? काबुल में, कहा मारो यहाँ पे मारो। जब यहां आतंकवादी भेजा तो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने सोचा हुआ शरिया का कानून, तो यहाँ का है पाकिस्तान का कानून, जिन्ना कानून खत्म, यहां भी शरिया का कानून रहेगा, तो यहां भी तालिबान हो गया, यहां भी तालिबान। वो कहता है ये तालिबान तो सक्सेस हो गया, अब हमारी बारी है, इतना एरिया हम काट लेंगे बलूचिस्तान। क्या काट लेगा? ये बताओ, अगर बलूचिस्तान कट गया तो ये सड़क कहां गया? गया काम से। अब ये डेली मार रहा है सब यहां पे बलूचिस्तान वाले, ये सड़क सीपीसी ग्वादर बंदरगाह को जोड़ती है, किसे जोड़ती है? ग्वादर। अब इस सड़क को 2 खतरा, एक यहां से सियाचिन, ये हम लोग के लिए युद्ध के समय में कोई दिक्कत, दूसरा ये बलूचिस्तान, क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान, क्या हो गया? बलूचिस्तान हो गया। कौन जगह हो गया? बलूचिस्तान में अशांति इतनी ज्यादा, और वो चाइनीजों को ढूंढ के मारते हैं सब, बलूचिस्तान वाले चाइनीजों को ढूंढ के मारते हैं। चाइनीज आर्मी काम करती है तो उसके पीछे AK-47 लेके वो खड़ा रहता है, चलो चलो मसाला जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाप रे, कौन आ रहा है? अरे रुक रुक रुक, भाग भाग यहां से। पाकिस्तान में काम करना मुश्किल हो गया चाइना को। अच्छा चाइनीज छुप भी नहीं सकते हैं सब, शक्ले अजीब होता है उनसे, सोचा जागल की सूतल पते नहीं चलता है। अब चाइना वाले छुप भी नहीं सकते ना, तो यहां पे चाइना वाले इनको मारते हैं। तो एक डर यहां पे कौन सा है? सियाच। दूसरा डर बलूचिस्तान, ये बंदरगाह कौन सा? ग्वादर बंदर। अब इसको लगता था कि यही होशियार है चाइना को, मनमोहन सिंह गए तो ईरान के चाबहार बंदरगाह से डील करके आ गए, किसे डील कर लिए? चाब। और मोदी जी गए तो ओमान के दुकम पोर्ट से डील कर लिए, किसे डील कर लिए? दुकम पोर्ट से। अब आप बताओ, ये यहां से घेरा गया, ये यहां से घेरा गया, यहां से घेरा गया, अलग में इसको पीटिए रहा है सब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल जाओगी बबनी? जाइए चल जी, देखना इधर मत गिर जाइए। सीपीसी सड़क किस बंदरगाह को जोड़ता है? ये पीओके को होकर जाता है कि नहीं जाता? पीओके को होकर जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?